जबकि किराए से शामिल कहता हूँ यहाँ पे, और खासतौर पर हमारे साथी भाई हमारे अख्तर भाई, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया। और अक्सर ही दिन में जो हमारे बैठे हुए हैं तो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, छोटी सी हमने कोशिश की कि तालीम की तरफ जो है दोबारा लेके आए। मैं ज़्यादातर जो है स्टूडेंट हूँ, और परसों यानी बाहर वाले भी इनका टेस्ट है कराची में, जबकि लैंग्वेज का शेमा होगा, इसलिए ये तालीम हासिल करते हैं। बहुत बड़ी बात है इसी जगह पे हैदराबाद जैसे शहर में जहाँ पर ना लोग घूम रहे हैं, सही से सीख पा रहे हैं, वहाँ पर जैसे सीख रहे हैं। और इसमें जो है ग्रोथ जापान का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे सर इकबाल अजीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये यहाँ पर जैसे सिखा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम फीस पे, अगर मैं कहूँ कि इस फीस पे नर्सरी का बच्चा भी तालीम नहीं हासिल कर सकता, उस फीस पे जो है जैपनीज लैंग्वेज सीखी है इन बच्चों ने। और ये इसी तरीके से फिर मैंने अपने वालिद साहब के नाम से एक लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई, अख्तर भाई दीगर हमारे जितने दोस्त बैठे हैं उन सबका बड़ा ताबून है उस पर, तो वो एक छोटी सी काविश करी। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे अख्तर भाई वगैरह हम सब जब मिल के बैठे हैं, तो हैदराबाद के हमारे सुबह की हैदराबाद की तरक्की और बहाली के लिए करके जाएंगे। ज़रा याद से लीजिए, बिल्कुल वरना बुरा वाट कोई दो राय नहीं है। लाइब्रेरी के हवाले से भी इनके इन्होंने काफ़ी हमें बुक्स प्रोवाइड करी और दीनी बुक्स दी है, बहुत दिन में नया बुक्स निकली है, इनका न्याय शुक्र गुजार हूँ। और ये बातों होने के बावजूद भी मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है इनसे, ये एक मर्द से ज़्यादा काम कर रही है, सोशल वर्क सबसे ज़्यादा करती है, इनके एक्टिविटीज हम देखते रहते हैं। तो माँ साहब आपको इस तरह फिर जो है वेलकम करते हैं, और नौजवानों के लिए अगर आपको एक छोटा मैसेज दें तो बड़ी खुशी होगी। उम्मीद है आप सब लोग खेले होंगे। आज सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का, माशाल्लाह आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी समान, और जो मोहब्बत आप सबसे मिली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर विजिट करके। और यकीन जो तौर पर आप सबसे मिले, मैं सर से भी ये बात कर रहा था, अगर एक दो दिन में और होगा तो अजरक की शायद दुकान में था, इतने लोग मिले माशाल्लाह आप सबकी तरफ से, उसका मैं दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे फिर यही बात हुई, सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे तालीमी इदारे जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं सिंधु में, और लेकिन फिर भी जो है सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ के तलबा जितने भी हैं, नौजवान जितने भी हैं, उन सबके अंदर एक चाहत है पढ़ने की। तो माशाल्लाह मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इसी चाहत को बरकरार रखिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और चाहे कोई तालीमी इदारा बेशक ना हो, पढ़ने के लिए आप खुद से पढ़िए, क्योंकि आप सबके पास अलहमदिल्ला माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन आप सबके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी आप सबके पास मौजूद है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इलम का ख़जाना है आप सबके लिए, इससे आप सीखना शुरू करें। भले ही कोई तालीमी इदारा ना हो, भले ही आपको कोई उस्ताद ना हो, यूट्यूब आपको उस्ताद है, गूगल आपको उस्ताद है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपको उस्ताद है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको उस्ताद है। आप चाहे जो कुछ भी है, जैपनीज लैंग्वेज है वो आप सर से भी सीख सकते हैं, अगर आप दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो आप बैठकर ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन बेशक फ्री क्लासेस भी मौजूद होती हैं, पेड क्लासेस भी मौजूद होती हैं, जिससे आप सीख सकते हो, ना सिर्फ सीखना बल्कि आप ऑनलाइन सिखा भी सकते हो, अपनी खिदमत आप ऑनलाइन पेश करके जो है आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी आप जा सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितने हैं उन सबको आप हल कर सकते हो। और ये कोविड के सिचुएशन के दौरान ये ऑनलाइन बिजनेस जो है, और ये अमेजोन का बिजनेस, और ये फ्रीलांसिंग, और ये व्लॉग्स और ब्लॉग्स वगैरह, ये इस कोविड की सिचुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा फैल गए, पूरी दुनिया में सब लोग दड़ादर इन चीज़ों की तरफ आने लगे, ई लर्निंग जो है वो आम हो गई, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है या अमरीका क्यों ना हो, ई लर्निंग पूरी दुनिया में आम हो गई सिचुएशन के दौरान। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इसी जो तड़प है एजुकेशन हासिल करने की, इसको बरकरार रखिए, इस तड़प को कभी ख़त्म ना होने दीजिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन की जो तलब होती है ये इंसान को इस मजबूर कर देती है इस चीज़ पर कि वो हर जगह से फिर सीखने लग जाता है, चाहे किताब हो ना हो, चाहे उसके पास कोई सहूलत अच्छी हो ना हो, वो फिर भी सीखता रहता है, मॉडल को ऑब्जर्व करके सीखता है, बड़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है, मुआशरे को देख के सीखता है, वो मुआशरे के हालात को देख कर उसको ऑब्जर्व करता है कि इसमें नेगेटिविटीज़ क्या है, पॉजिटिविटीज़ क्या है, उन चीज़ों को देख कर वो खुद की तरबियत करता है। हाँ, एक ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि खुद खुद के ऊपर काम करें, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करें, अपनी बातों का तरीका, बातों का अंदाज, बातों का अदब किस काबिल बनाएं कि जब लोग आपकी बात सुने तो उन्हें मज़ा हो आपकी बात सुनते हुए, वो
वो खुशी से आपकी बात को सुने और आपकी बात के ऊपर अमल करना शुरू करें। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल अपना बनाए और ये बनाने के लिए और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए नॉलेज, जितना ज़्यादा इलम आपके पास होगा उतने ज़्यादा आप इस काबिल होंगे कि अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाएं। जिस तरह हम कहते हैं ना समंदर को कुएं में बंद करना, उस काबिल आप बन जाएंगे जब आपके पास इलम का ढेर होगा। इलम का ढेर ज़रूर बने, लेकिन सिर्फ ढेर ना बने बल्कि उस ढेर के ऊपर अमल भी करें, उस इलम को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको देखकर सब लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू समझ आ रही मेरी बात आपको। जैपनीज़ आप सब लोग सीख रहे हो, यू नो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप। आप सब लोग माशाल्लाह ये इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हो, ये आपकी मदद करेगा फ्यूचर में। आप जापान जापान जाके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन आप जापान जाके एक्टिविटीज़ करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आप भी वहाँ पे एक इदारा खोल सकते हैं पाकिस्तान के नाम से, जिसमें आप अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। माशाल्लाह जापान के लोग आपको देखेंगे, यार माशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को देखो कितने एजुकेटेड है, हमारी जबान भी आती है, हमारे कल्चर को भी जानते हैं, हमारी सकाफत को भी पहचानते हैं और हमें भी इलम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें, तो ये बहुत बड़ी एहसास की बात होगी। तो किसी तरीके से चाहे आप जापानी सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, उसमें ज़रूर अपने मुल्क पाकिस्तान को ज़रूर ऐड कीजिएगा, अपनी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, अपने आबाव अजदाद की तारीख को ज़रूर पढ़िएगा और उसको ज़रूर समझिएगा, क्योंकि हमारा जो विरासत है उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। हम वही चीज़ जो है 1400 साल से लेकर हम लेते आ रहे हैं और इसको हमने आगे भी फैला है। समझ आ रही मेरी बात आपसे? तो जहाँ भी रहो, जापान में रहो, पाकिस्तान में रहो, सिंध में रहो, जर्मनी में रहो, यूके में रहो, अमरीका में रहो, पाकिस्तान को ज़रूर साथ ले जाना है। समझ आ रही मेरी बात आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है मैंने थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री और पढ़ी तो ये देखा कि 15 साल की उम्र थी एल जी, तो उसका कोई है कि या कोई ऐसा शॉर्टकट है तो बताएं। नौजवानों में नौजवान शॉर्टकट में बड़ा ढूंढते हैं आजकल, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे मेमोरी तेज़ हो जाए। बादाम खाए कर इससे मेमोरी तेज़ होती है, लोग कहते हैं धोखा खाने से जो है मेमोरी तेज़ होती है, बादाम से नहीं होती। देखिए ये 15 साल में जो पीएचडी है ये अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने 15 साल की उम्र में पीएचडी करने का इरादा किया है। देखिए इरादे तो सबके होते हैं बहुत कुछ करने के, लेकिन इंसान है इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत कम करने का मौका मिलता है इंसान को, तो इरादा हमारा भी था, लेकिन क्योंकि कानून ऐसा है, एक सिस्टम ऐसा है जिसके तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह 15 साल की उम्र में नहीं की तो 30-40 साल की उम्र में कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैंने पीएचडी बिल्कुल नहीं की, ना ही मैं एक प्रोफेसर हूँ, ये बातें क्लियर कर देता हूँ। ये लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि पिछौर यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, ठीक है, वो मेरा जितनी भी ऑडियंस थी उसमें मेरा पहला लेक्चर था जो ओपन लेक्चर था या मुझे इन्वाइट किया गया था, तो उसमें मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स थे और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म तो वहाँ पे मैंने बातचीत की। तकरीबन एक घंटे का हमारा सेशन था जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी हुआ हमारा। तो उस चीज़ से तकरीबन मैं 10 साल का था उस वक्त, तो वो 10 साल की उम्र से और वो एक घंटे के सेशन से और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से वो लोग इतने मुतासर हुए कि उन्होंने मेरे ऊपर नन्ना प्रोफेसर का नाम रख दिया। अब अख्तर यूब साहब है वो कह रहे हैं चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं, ये नन्ना प्रोफेसर का नाम ज़रूर साथ चलाना है आपने, लेकिन फिर उसमें हम एडिशन करेंगे सबका नन्ना प्रोफेसर, तो मरते दम तक इस नाम को आप ज़रूर चला सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि लोग मुझे प्यार से नन्ना प्रोफेसर बुलाते हैं, मैं ना कोई प्रोफेसर हूँ, ना कोई बड़ा अल्लामा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ आप सबकी तरह। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने में, लेकिन मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी सीखी हुई चीज़ों पर अमल भी ज़रूर करूँ। ऐसा होता ना भाई, बचपन में बच्चों के नाम रखते थे बाबा मुन्ना या मुन्नी, तो बूढ़े तक मुन्ना मुन्नी रहते हैं वो, तो ये भी वाली बात है, एक टाइटल आपको मिल गया अंदर तो, और ये सही कहा अख्तर भाई ने कि आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं चाहूँगा कि अख्तर भाई जो है हमारे मौसिन हमारे दोस्त हैं, इनसे मैं बहुत सीखता हूँ, अपने अधूरी चीज़ें मुझे बहुत चीज़ें बताते हैं, तो ये आपसे कुछ बात करें अख्तर भाई। सबसे पहले तो मैं जमशेद भाई का तहे दिल से मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह यूथ को मैं इकट्ठा करके न सिर्फ अम्मा जो बेपना सलाहियतों के मालिक हैं और पहली मरतबा हैदराबाद है उनके एजाज़ में तकलीफ रखी, बल्कि हैदराबाद की जो यूथ है उनको जो है सीखने का एक मौका भी फराहम किया, जो कि मैं समझता हूँ कि आप सब के मौसम होने का इन्होंने जो किरदार अदा किया है, आप लोग मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने जिस मेहनत से यहाँ आप लोगों को जमा किया है ये भी लाइक है तहसीन है, तो सबसे पहले तो जमशेद शेख का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं हम्माद साथी का बेहद मशहूर हूँ,
के बड़ा शॉर्ट नोटिस पर ये आए हुए हैं। आज इनको दूसरा दिन है और दो दिन में ये 3 घंटे सोए और अभी भी ये बिल्कुल नींद की हालत में है और उसके बावजूद सुबह से ये मुख्तलिफ इनके सेशन हैं, लेक्चर हैं। और मज़े की बात कि आज इन्होंने जुमे का बाकायदा एक जामा मस्जिद जिसमें ह्यूज किस्म की वहाँ लोग मौजूद थे, वहाँ इन्होंने जो है बहुत बड़ी बात है कि मसल्ला रसूल पर आज तक किसी सियासतदान को, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को जाने का मौका नहीं मिला। और वहाँ के उलमा जो थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज जुमे का बयान आप पढ़ें और आप जो है इन्होंने बाकायदा जुमे का सजबा तो नहीं बयान वो क्यों इन्होंने मास पढ़ाया। और उसके बाद जो है सुबह स्कूल में मकसद सारा दिन बड़ा इनका मशहूर गुजरा तो मैं इनका भी बेहद मशहूर हूँ कि इस खलील वक्त में इन्होंने हैदराबाद के दोस्तों में तो बात मैं क्या करूँ। मैं तो मेरा तो मकसद सिर्फ और सिर्फ इनको यहाँ ला के हैदराबाद की हालत एजार और ये जो तालीमी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल तबाह हो चुका है और यूथ यानी कि मैं आपसे कह रहा था ना कि लोगों में जो पोटेंशियल है वो सीखना भी चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो मामा के नहीं है। आज हमारे 46,000 स्कूल सिंध के अंदर बंद हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको वो सलाहियत दी है कि आप पिसे हुए तबकात की आवाज़ को कामे वाला तक पहुँचाएँ, आपकी आवाज़ सुनी जाती है। आपका यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़े सारे इकदार जमातें हो, आप सब नाम से जानते हैं और आपकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है और आपने माशाल्लाह बड़ा दर्द है। और वैसे तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उसके ऊपर महारत रखते हैं और मोटिवेट करते हैं लेकिन एजुकेशन जो है वो स्पेशलिटी है और उसके ऊपर ये जो है बड़ा वो करते हैं। हम इनसे तो उम्मीद भी हैं और ये मजीद जो है वो ऐसे ही पिसे हुए और वो तबका कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती उनके लिए कदम मर्द ये आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं आखिर में एक जो कहते हैं ना छुपे रुस्तम, आप सब लोगों की निगाहें मुझे पता है कि इस वक्त जो है वो यहाँ बैठे हुए अम्मा साली की तरफ हैं और लेकिन अम्मा को तो ये जो हमाद साफ़ी हैं असल में तो क्रेडिट जाता है इनके असाज़ा को। और ये जो आपको कैमरा मैन दिख रहे हैं ये कैमरा मैन अकबर खिलजी साहब ये इनके इंस्पेक्टर हैं, इनके उस्ताद हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए ये भी एक बड़ा रोल मॉडल है और ये तस्वीर से और सामने आने से जो है बड़ा एहतियात करते हैं। तो हमाद को हमाद साफ़ी बनाने में इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार है। मैं जब भी जाता हूँ इस्लामाबाद चले में किसी और का मेहमान हुआ करता था लेकिन अब जब से इनसे ताल्लुक़ बना है इनके बगैर ना मेरा कहीं हिस्से होता है और ना ये कहीं रुकने देते हैं। तो इस दौरान मैंने इस मासूम से बच्चे से कितना सीखा मैं उसे लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, मैंने बहुत सीखा। तो जब इनसे सीखा तो जो इनको सिखाने वाले थे वो क्या चीज़ होंगे, तो सीखने का अमल तो वो माँ की गोद से और कब्र की गोद कहते हैं कि जहाँ तक चलता है। तो माशाल्लाह ये दोनों जो है और ख़ासतौर पर हमारे साथ भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और मैं मकसद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों में इनका शुक्रिया अदा करूँ कि ये आए और इन्होंने मुझे या जमशेद को नहीं बल्कि हमारे शहर को इज्जत बख्शी थी और ये पहली मरतबा आना हुआ है और सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। प्रोग्राम इतने हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो टाइम दिया उनको वो बस मैं तो पूरे हैदराबाद की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दुनिया अलमास के साथ जो है फयाज भाई आ गए इनसे मिला भी है कि अपनी ताकीब से हैं, इनका भी ताल्लुक उस शोबे से है जो हम जैसे ना तमाम किस्म के लोगों की आवाज़ को उठाने वाला तक पहुँचाते हैं। ताकीब से आने पर इनकी जो है वो सरगर्मी होगी इंशाल्लाह और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी जगह दूँगा। और आखिर में एक मतलब जब से ये मैं अदा करूँगा कि वो इस किस्म की सेहतमंद करते हुए और जो है वो उनको अंजाम देते रहते हैं और ख़ास तौर पर सबीना शाह जो जैसे कि जमशेद क्षेत्र ने कहा कि एक औरत ज़ात हो के मकसद जो इंसानी हकूक़ के लिए जितना काम करती है वो भाई से शर्मिंदगी भी है, जहाँ भाई से फ़ख्र है हमें शर्मिंदगी भी हो रही है। एक औरत ज़ात होकर
घर से बाहर निकलकर इन साथियों के लिए जितनी जद्दोजहद कर रही हैं वो बिना शुमार लायक के तहसीन है। मैं इनके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप खुशी गाँव की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो जो लड़के अपने लिए कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, सही, जो अभी इल्म भी हासिल कर रहे हैं सर, उनके लिए कुछ वर्ड्स या कुछ एडवाइस आप? हाँ, जितने भी ये एंटरप्रेनरशिप है माशाल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, क्योंकि इससे ना आप खुद को फ़ायदा दे रहे हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने इर्द के लोगों को भी आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो एंटरप्रेनरशिप जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई आइडिया हो, ऐसा तकनीकी आइडिया हो कि जिसको जब आप इम्प्लीमेंट करो तो इंस्पायरिंग हो, वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप देखिए जिस तरीके से हमारे पेशावर के एक कॉलेज का एक स्टूडेंट था, एक दिन कॉलेज में ऐसे ही बैठा हुआ था, सोचने लग गया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी सर्विस बनाया जाए कि जिसमें लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, खाना हो, बाज़ार से कपड़े खरीदने हो, सामान खरीदना हो, हम उसको उसके घर तक पहुँचा सकें। तो अपनी इसी आइडिया को लेकर उसने काम शुरू किया और उसने एक अपनी एक छोटी सी कंपनी बना ली दरेओड़ो के नाम से। अब दरेओड़ो जो है पश्तों के ग्लव्स है, जिसका मतलब है कि ले आया। तो इसने एक छोटी सी सोच थी उसकी कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, तो सोच से माशाल्लाह उसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है। तो पूरी पेशावर में अब उसकी माशाल्लाह सर्विस है, जब भी फूड की ज़रूरत हो, क्लोथिंग की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप कॉल करते हो, वो घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ आपके घर तक पहुँचा देते हैं। ये छोटा सा आइडिया होता है जो आइडिया लीड करता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। अब देखिए दुबई में बंदा बैठा हुआ एक बंदे ने वैसे ही सोचा, ठीक है क्यों ना घर कैब आए और वो कैब जो है घर से आपको ले जाए आपकी जगह तक, तो उसने करीम को बना दिया। इसी तरीके से ऊबर बन गया, इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें अमेजोन बन गया। तो इसी तरीके से आप भी कोई ऐसा आइडिया ले आए जो कि मुख्तलिफ हो, जो कि चेंज हो, जो कि पहले किसी ने ना सोचा हो या किसी ने इम्प्लीमेंट ना किया हो। क्योंकि अमेजोन, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, शॉप्स बनाएंगे, तो अमेजोन वहाँ पे ऑलरेडी है, daraz.com है, बाकी के वेबसाइट्स हैं जो कि आगे निकल चुके हैं, ठीक है। आप उसमें भी उनसे फिर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तब होगा कि जब आप फिर किसी नए आइडिया के साथ निकल आओ। तो नया आइडिया लेकर आओगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ना सिर्फ खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे बल्कि और लोगों के लिए भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी ग्रेट फील्ड, और आजकल की दुनिया में अगर बात की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और बहुत सारे लोग जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस 500, 1,000, 10,000 के रुपए से जो है वो कारोबार स्टार्ट करते हैं और फिर माशाल्लाह करोड़ों अरबों तक उस चीज़ पर ले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन इसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो कि रिस्क टेकर होता है। जितना आप बड़ा रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है, जितना आप फेस कर सकते हैं फेलियर को, ठीक है, चैलेंजेस को जितना आप फेस करोगे उतने बेहतरीन एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले जो हमने कोशिश करी वो दीनी, सबसे पहले दीनी के तमाम हदीस के सेट मौजूद है, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ सीरत नबी मौजूद है, इसके बाद बाकी चीज़ें हैं, फ्रेंच भी हमारे पास है। जमशेद भाई आपसे नहीं।